जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रुक जा शिव, तुझे मेरी सौगंध है, मेरे वात्सल्य का सौगंध। किंतु क्यों माँ? क्योंकि आज तेरी माँ तुझसे कुछ मांगना चाहती है शिव। वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। तो समझ ले, पहला वचन तेरे वही रुक जाने का मांगती हूँ। और यदि आपके इस निर्णय का कारण मैं हूँ तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपके वात्सल्य और ममता के बीच बाधा नहीं बनूंगी। मैंने अपना मन कठोर बना लिया है महादेव, केवल आपके। मैंने महादेव को पाने का प्रयास त्याग दिया है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आप स्वयं को अग्नि में जलाने का विचार त्याग दीजिए। माँ, मुझे अपने पास आने दीजिए। नहीं शिव, तू मेरे पास आएगा तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। कैसा संकल्प माँ? बहुत पहले मैंने एक संकल्प लिया था, जब इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था तब इसी स्थान पर बैठकर मैंने अपने आराध्य से इस क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मेरे आराध्य, मेरे महादेव मेरी पुकार सुनकर आए थे और मेरा संकल्प पूरा किया था। और उस अकालग्रस्त धरती की भांति मेरे बंजर ममता की धरती को भी माँ कहकर हरा भरा कर दिया था। एक माँ अपने पुत्र को आभार की शरशैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। तभी मेरे मन में महादेव को पुत्र स्वरूप में पाने की इच्छा उत्पन्न हुई। माँ, यदि मैं आपका पुत्र शिव ना होकर वही आराध्य होता, वही महादेव होता, तो निश्चित आपके बिना मांगे मैं आपकी वो कामना पूरी कर देता जिसके लिए आप स्वयं को अग्नि में जला रहे हैं, तपा रहे हैं। आपकी जो इच्छा है आप मुझसे कहिए माँ, मैं वचन देता हूँ माँ, मैं उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगी। तू ये बाल रूप त्याग कर पुनः महादेव बन जा शिव। इस माँ के लिए तूने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं धन्य हूँ। जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सीखा वो आपके अंग में बैठकर ही सीखा, आपके पुत्र रूप में ही मैंने जाना है कि मातृत्व की परिभाषा क्या होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है। आपने मेरे अस्तित्व के एक पूर्णकालिक अभाव को
किया है माँ। आपके योगदान और एक बाघ के रूप, आपकी तपस्या की स्मृति चिरकाल तक मेरे साथ रहेगी माँ। अब तुम त्रिदेव शीघ्र अपने वास्तविक स्वरूप पे आ जाओ और अपनी अपनी वामंगियों के साथ अपने लोक प्रस्थान कर लो। मैं भी मान लूंगी और तू भी मान ले कि हमारा साथ यहीं तक था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।